आज हम साहित्यिक साधनों की बात इसमें करेंगे। साहित्यिक साधन कौन कौन से हैं, इनमें सर्वप्रथम हम राजस्थानी साहित्य और विशेष रूप से ख्यात साहित्य के बारे में आज इनका अध्ययन करेंगे। ख्यातें क्या हैं, ख्यात साहित्य में कौन कौन सी प्रसिद्ध ख्यातें हैं, ये अध्ययन का आज केंद्र बिंदु रहेगा। ख्यातें वंशावली और प्रशस्ति का ही एक विस्तृत रूप है। ये ख्यातें राजस्थानी भाषा में गद्य रूप में मिलती हैं। विशेषतः 17वीं और 18वीं शताब्दी के इतिहास को जानने के लिए इनका अधिक महत्व है। ये सही है कि ख्यातों में यशोज्ञान सम्मिलित होता है, तिथियों को लेकर, घटनाओं को लेकर कई त्रुटियां इनमें आ जाती है। फिर भी इन ख्यातों से हमें भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इन जीवन के साथ साथ दुर्गों के निर्माण, गांवों की स्थापना कब हुई, जातियों का स्वरूप क्या है, इन सब के बारे में भी ख्यात साहित्य से जानकारी मिलती है। अतः ऐतिहासिक स्रोत के रूप में ख्यातों का विशिष्ट स्थान है। ये ख्यातें कौन कौन सी हैं, कौन सी प्रसिद्ध ख्यातें हैं, सबसे पहले हम नैंडसी की ख्यात की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ख्यातों में मुंडियार राज्य की ख्यात, दयाल दास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात, बांकी दास की ख्यात, दयाल दास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात, ये भी प्रमुख हैं। मुंडियार राज्य की ख्यात, मुंडियार नामक एक स्थल था जो कि नागौर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मारवाड़ के राठौर शासकों ने ये गांव चारणों को अनुदान में दिया था, इसीलिए चारणों के द्वारा लिखी यहाँ की ख्यात मुंडियार की ख्यात कहलाती है। अन्य महत्वपूर्ण ख्यातों में दयालदास की ख्यात है। दयालदास बीकानेर नरेश रतन सिंह के दरबारी कवि थे और इन्होंने भी जो भी उपलब्ध वंशावलियाँ थी, पट्टे, भैया, शाही फरमान, इनके द्वारा उन्होंने ये ख्यात लिखी है। बांकीदास की जो ख्यात है वो भी महत्वपूर्ण है। इनसे भी हमें उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और राज्यों के राजाओं के आपसी संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। समकालीन घटनाओं के बारे में भी इस ख्यात से विशेष रूप से जानकारी मिलती है। इस ख्यात में लगभग 2000 बातों का संग्रह किया गया है और इस दृष्टि से ये भी उपयोगी है। जोधपुर राज्य की ख्यात, ये जोधपुर के इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। तो आज हम सर्वप्रथम नैंडसी की ख्यात की बात करेंगे। नैंडसी की ख्यात के रचनाकार मोहनोत नैंडसी थे। मोहनोत नैंडसी का जन्म 1610 ईस्वी में जोधपुर के ओसवाल परिवार में हुआ था और इन्होंने दो रचनाएं लिखी हैं। पहली रचना थी मारवाड़ रा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगनारी विगत, और दूसरी रचना थी नैंडसी की ख्यात। नैंडसी की ख्यात मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा में लिखी गई है और इससे हमें उस समय के तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति को समझने में मदद मिलती है। इनकी ख्यात से उस समय के राजस्थान के राजवंशों की जानकारी मिलती है, साथ ही अनेक पड़ोसी राज्यों और राजवंशों उनके बारे में भी बहुमूल्य सामग्री हमें इसमें मिलती है। नैंडसी की ख्यात
के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने कई चारणों से, भाटों से, अलग अलग जगह से सामग्री मंगाकर संग्रह किया था और फिर उस आधार पर उसके बारे में विस्तृत रूप से लिखा था। तो तथ्यों के आधार पर इतिहास लिखने के कारण ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। तो नैन्सी की ख्यात का और उसके लेखन में जो इतिहास परक दृष्टिकोण है उसकी वजह से इन्हें कई बार राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है और ये उपाधि इनको मुंशी देवी प्रसाद ने दी थी और वो ऐतिहासिक दृष्टि से जो यथार्थ वर्णन उन्होंने राजस्थान का किया है इस वजह से दी थी। निसंदेह नैन्सी का जो दृष्टिकोण था अबुल फजल की तरह या उससे कहीं अधिक प्रभावशाली और वैज्ञानिक था। इन्होंने महत्वपूर्ण साधनों का प्रयोग अपने ग्रंथ के लेखन में किया है, उनके बारे में भी उन्होंने इस कहाँ से ये साधन उपयोग में लिए हैं इसके बारे में भी बताया है, अपने स्वामी के गुण और दोषों को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है और इसी आधार पर कई बार उन्हें अबुल फजल से भी श्रेष्ठ लेखन में माना जाता है, क्योंकि अबुल फजल ने अकबर के संरक्षण में अब आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा था, जबकि मोहम्मद नैन्सी ने महाराजा जसवंत सिंह के आश्रय में रहकर नैन्सी की ख्यात नहीं लिखी थी और इसीलिए निष्पक्ष रूप से उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह की बुराइयों और कमियों को भी उजागर किया है और उनकी उपलब्धियों को भी लिखा है। तो इस वजह से इन्हें अबुल फजल से श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने स्वामी के गुण और दोषों का स्पष्ट रूप से लिखा है, जबकि अबुल फजल ने उसके लेखन में हमें ये कमी नज़र आती है। नैन्सी की ख्यात में भी कुछ कमियां हैं, फिर भी राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए ये एक महत्वपूर्ण साधन कहा जा सकता है।